मेरा नाम है मनीषा गुलियानी और आप देख रहे हैं सुनो कहानी का अगला एपिसोड। पिछले एपिसोड में हमने बात करी थी कि कलाओं का क्या महत्व है हमारे जीवन में और हमने बात करी थी कथक के घरानों के ऊपर। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि कथक में संगीत की क्या उपयोगिता है, या हम इस तरह से समझने की कोशिश करते हैं कि शारंगदेव ने संगीत रत्नाकर में कहा है, गीतम वाद्यम तथा नृत्यम त्रयम संगीत मुच्यते। माने गायन, वादन और नृत्य तीनों मिलकर ही संगीत बनाते हैं। इसीलिए नृत्य में संगीत अलग नहीं है, नृत्य से ही संगीत है। और नृत्य तो एक ऐसी विधा है जिसमें गायन, वादन और नृत्य तीनों एक साथ आ जाते हैं। तो हम यूँ भी कह सकते हैं कि संगीत की पूर्णता जब हम नृत्य देखते हैं तो हमें उसमें देखने को मिलती है। डांस या नृत्य से जनरली हम ये समझते हैं कि इट्स ओनली अबाउट बॉडी, सिर्फ भौतिक शरीर का काम है। भौतिक शरीर एक यंत्र जरूर है, लेकिन आधार जो उसका है वो स्वर और लय है। स्वर तो आप सब जानते हैं, म्यूजिकल नोट्स, लेकिन लय क्या है? लय आप ऐसा समझ लीजिए कि स्पीड को संगीत में लय कहा जाता है। तो लय और सुर का जो आधार है वो हमें कथक में हमारे जो संगतकार हैं उनसे मिलता है। और उसके लिए जो खास इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो खास वाद्य यंत्र हैं, वो हैं तबला, पखावज, हारमोनियम और सारंगी। इसके अलावा जो भी इंस्ट्रूमेंट्स स्वर और लय पे संगत कर सकते हैं, सितार, सरोद, बांसुरी, मंजीरा, वो सभी कथक में इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन जो मुख्य रूप से चार इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो हैं पखावज, सारंगी, तबला और हारमोनियम। इनमें से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वह इंस्ट्रूमेंट है जो कथक नृत्य में नगमा दिखाता है। और नगमा दिखाने के लिए स्वर वाद्य यंत्र जो हैं उनको काम में लिया जाता है, और उसमें भी खास हो गए हारमोनियम और सारंगी या फिर सितार। ये वो इंस्ट्रूमेंट है जो कथक नर्तक को एक नगमा देता है। नगमा कह लीजिए कि अ फिक्स्ड टाइम इंटरवल, जिसके ऊपर कथक नर्तक अपने नृत्य का संसार रचता है। और फिर तबला या पखावज, क्योंकि उसके ऊपर वो बोल जो कथक नर्तक नाचता है उन सभी बोलों को तबले या पखावज पर बजाया जाता है, तो एक तरह से वो उसको एनहांस कर देता है, या कह लीजिए कि वो उसका आभूषण है। वो नृत्य को और सुंदर बना देता है और इम्पैक्टफुल बना देता है। एक एक बोल जब कथक नर्तक के पाँव से निकलता है और वही बोल जब तबले की थाप से बजता है, तो वो जो सुंदर संयोग है वो नृत्य को एक और सुंदरता की ऊंचाई प्रदान कर देते हैं। और इसके अलावा जो बाकी सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो भी साथ में जो भी नर्तक नृत्य कर रहा है उसको ड्रामेटाइज करने के लिए बहुत काम में आते हैं, उसका इम्पैक्ट बढ़ाने के लिए बहुत काम में आते हैं। मूड को, लय को, ताल को एक सुंदर समन्वय के साथ मेंटेन करने के लिए बहुत काम में आते हैं। इसीलिए जब भी आप कथक नृत्य देखें या उसे समझें, तो इट्स नॉट ओनली अबाउट डांसर, इट्स अबाउट द होल टीम, इट्स अ टीम वर्क। तो आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि ये मान लीजिए कि एक गार्डन में एक बच्चा जो है वो टहल रहा है, अपने हिसाब से घूम रहा है, आनंद ले रहा है उसका, और अचानक से उसका एक दोस्त उसके साथ आ जाता है, उसका हाथ पकड़ लेता है और उसके साथ झूमने लगता है। तो जो ट्विस्ट होगा, जो मूड का एम्प्लीफिकेशन होगा, वो तबला है। तो उस बच्चे का जो दोस्त है वो तबला है या पखावज है, और जो वो बच्चा है वो कथक डांसर है। और वो जो बच्चा और उसका दोस्त जिस गार्डन में टहल रहे हैं, जो जमीन है, वो नगमा है। तो मैं आशा करती हूँ कि शायद आज हमने ये जाना है कि कथक नृत्य इज नॉट ओनली अबाउट वन मैन और वन वुमेन शो। तो ये एक पूरा टीम वर्क है जो कि मिलकर एक सफल कथक नृत्य की प्रस्तुति बनाते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको आज का ये विषय पसंद आया होगा, और अब हम मिलेंगे आपसे सुनो कहानी के अगले एपिसोड में। थैंक यू।